नमस्कार दोस्तों, किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि जो व्यक्ति कभी अपने मन से हार नहीं मानता उसे कोई भी हरा नहीं सकता। अब्राहम लिंकन से लेकर अब्दुल कलाम तक ऐसी महान हस्तियां हुई हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऐसी अनेक घटनाओं का सामना किया है जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। ये ऐसी महान हस्तियां हैं जिन्होंने अपने जीवन की हारी हुई बाजी को जीत की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यदि देखा जाए तो हम और आप, हम सभी अपने अपने जीवन में एक योद्धा हैं और ये सारी दुनिया हमारी समर भूमि। वो वीर ही होते हैं जो युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते, परेशानियों का डटकर सामना करते हैं पूरे साहस के साथ, पूरी हिम्मत के साथ। समर भूमि में पीठ दिखाकर भागना तो कायरों का काम है। यदि हम अपने गौरवपूर्ण इतिहास को पलटकर देखें तो हम पाएंगे कि हमारे इस गरिमापूर्ण इतिहास में हमारे वीरों का बलिदान, उनका त्याग, उनकी शहादत, उनका शौर्य समाहित है। ये वीर अमर बलिदानी सदैव के लिए अमर हैं क्योंकि उनकी चेतना अमर है। कुछ ऐसे ही मनोभाव हैं हमारे प्रिय संत एबू प्रास्या के। एबू प्रास्या कहती हैं कि जब हमारे मन के विरुद्ध कुछ होता है तो दिल में खुशी होती है। महज 9 वर्ष की उम्र में माता मरियम ने एबू प्रास्या को दर्शन देकर उनसे सन्यासी जीवन में प्रवेश लेने का आग्रह किया। ये एबू प्रास्या के लिए बेहद कठिन परीक्षा का समय था क्योंकि उनके पिताजी एक कट्टरवादी व्यक्ति थे। महज 7 साल की उम्र से एबू प्रास्या की शादी के सपने देखने वाले पिताजी के लिए मनाना बेहद कठिन काम था। आखिरकार कई वर्षों की तपस्या, उपासना, प्रार्थना और प्रायश्चित के बाद पिताजी ने हाँ कर दी। लेकिन एबू प्रास्या की समस्याओं का अंत अभी भी नहीं हुआ। एक के बाद एक लगातार 3 बार लंबी बीमारी के चलते उन्हें घर वापस आना पड़ा। उस समय एबू प्रास्या को लग रहा था कि जैसे उनका यह सपना महज एक भ्रम है, एक वहम ही है। लेकिन एबू प्रास्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना सारा जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया, मानव कल्याण में समर्पित कर दिया। दोस्तों, एबू प्रास्या का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या का सामना पूरे साहस के साथ करना चाहिए और हमारे जीवन का जो उद्देश्य है हमें उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। वास्तविकता में देखा जाए तो एबू प्रास्या का जीवन इस बात को परिभाषित करता है कि जब भी हमारे मन के विरुद्ध, हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ होता है तो दिल में खुशी होती है।